हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के फैमिली में कोई ना कोई बच्चे ज़रूर स्कूल में पढ़ता होगा, कॉलेज में पढ़ता होगा और आप एक पेरेंट्स होंगे। और पेरेंट्स की एक मानसिकता होती है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे जाएं। उन्होंने एक पढ़ाई को रेस बना दिया है, एक ऐसी रेस जिसमें बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर वो रखते हैं कि सिर्फ बेटे भागना है, चाहे कुछ भी हो जाए उनको भागना है। और इस रेस में वो भूल जाते हैं कि बच्चों का इस पर क्या असर पड़ेगा। चलो मान लेते हैं आपकी बात सही है और आप ठीक हो, आपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहा और कहा कि बेटे आपके 90% नंबर आने चाहिए, और साल भर बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो 90% नंबर आते हैं। जब आपका उस टाइम रिजल्ट आया होगा उस क्लास का, तो आपके नंबर रहे होंगे 60% और आपके बच्चे के नंबर आए 90%, तो आप बड़े खुश होते और सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा किया। लेकिन वही बच्चा जो 90% नंबर लेके आया, तो आपने कभी ये सोचा है कि उसका थिंकिंग लेवल बिल्कुल आपसे अलग होगा? वो एक अलग लेवल से सोचेगा, क्योंकि आप 60% ला के जिस लेवल पे सोच सकते हो, तो 90% लाने वाला बच्चा उससे बहुत ऊपर सोचता है। 60% वाला जहाँ तक नहीं सोच सकता, वहाँ से 90% वाला सोचना शुरू करता है। 10 साल बाद वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अब उसके हाथ में स्टेयरिंग है गाड़ी का, बाइक का। जब पहले आपने बच्चे को प्रेशराइज करके एक रेस में, एक जिंदगी की रेस में उसको दौड़ाना शुरू कर दिया और आज उसने अपनी स्पीड पकड़ ली और आज उसको भागना पसंद है और वो ओवर ड्राइव करता है, स्मार्ट ड्राइविंग करता है, फास्ट ड्राइविंग करता है, तब आप उसको कहते हो कि नहीं बेटे धीरे चलो। बेटा तो धीरे चल रहा था, आपने ही उसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा किया, आपने ही उसको दौड़ना सिखाया, आपने उसको तेज भागना सिखाया। मैं पूछता हूँ कि क्या कारण है कि आप अपनी फिलॉसफी अपने बच्चों के लिए बदलते रहते हो? कभी बच्चों को कहते हो कि बेटा तेज भागो, ज़्यादा नंबर लाओ, सबसे आगे रहो, फर्स्ट टॉप करो, फर्स्ट आओ, और आज वो बच्चा रोड पे फर्स्ट कर रहा है, रोड पे टॉप कर रहा है, तो आप उसको फाउंडेशन लगा रहे हो। क्योंकि सोचो कि आप 60% लेके 80 की ड्राइविंग करते हो, तो वो 90% ले ना, उसको ड्राइविंग की अच्छी टेक्निक्स जानता होगा, अच्छे से ड्राइव कर सकता है, अच्छे से रूल्स जानता होगा ड्राइविंग के। तो डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट, जिंदगी को जियो जिंदगी के हिसाब से। बच्चों को अगर रेस की में दौड़ाना है तो उनको खुले दौड़ना दो, फिर उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाओ। बच्चे हैं, प्रेशर कुकर नहीं है कि उनके ऊपर प्रेशर लाओ, 3 सीटियाँ आ जाइए तो खाना पकेगा, नहीं। प्रेशर है, लाइफ को एंजॉय कीजिए, स्टडी को एंजॉय करिए। और मैं कहता हूँ कि जितना एंजॉय आप स्टडी को करोगे, उतनी अच्छी आपकी स्टडी होगी। स्टडी को एक मैजिक बनाइए, स्टडी को एक हॉबी बनाइए, स्टडी को एक हैबिट बनाइए, स्टडी को अपनी को एक इंस्पिरेशन स्टोरी बनाइए अपने लिए, दूसरों के लिए। आप देखोगे एक दिन आपकी स्टडी ही आपको सक्सेस तक पहुँचाएगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।